संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक एवं राष्ट्रीय फाइलेरिया अभियान के उपलक्ष्य में शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक एवं राष्ट्रीय फाइलेरिया अभियान 10 फरवरी 2019 से प्रारंभ हो रहा है। संचारी रोग और फाइलेरिया नियंत्रण के अभियान को मुख्यमंत्री 10 फरवरी को 7 जिले के लिए 33 संचारी संदेश वाहिनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अंतर्गत एक आशा बहन को प्रतिदिन 15 से 20 घर दस्तक अभियान और फाइलेरिया के लिए 50 घर का लक्ष्य दिया गया है। इस दौरान सीएमओ और अस्पताल के अन्य चिकित्सकों ने दस्तक और फाइलेरिया नियंत्रण के लिए जागरूकता पोस्टर जारी किया। इस अवसर पर आडिशन सीएमओ डॉक्टर आई बी विश्वकर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी एस के पांडे, हेल्थ एजुकेशनल अधिकारी डॉक्टर ओ पी जे राव, डॉक्टर रिपुंजय पांडे, डॉक्टर सागर, डॉक्टर परवेद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, ये उस विले वाली हमारा तो भारी होने के डॉक्टर पहले तो आप सभी प्रेस के आए हुए मीडिया के लोग को हम अभिवादन करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा क्या संचारी रोग नियंत्रण अभियान के रूप में। ये 10 तारीख से शुरू होके और जाएगा 8 मार्च तक, क्योंकि इस अभियान में कई चीज़ें होनी हैं। मेनली JEE से संबंधित जिसे दस्तक का नाम दिया गया है वो चलेगा, और दस्तक अभियान में 10 तारीख से शुरू होके हमारी आशाएं घर घर जाएंगी और दस्तक देके वहाँ पर साफ़ सफाई के बारे में जानकारी देंगी, बुखार के केसेस को ट्रेस करेंगी, अगर बुखार का केस है तो उसका संदर्भन के बारे में बताएंगी, हाथ धोने के बारे में बताएंगी, पानी शुद्ध जल कैसे बनाएं और कैसे पिएं, डीप हैंड पाइप का अगर पानी नहीं मिलता है तो क्लोरिनेशन करके पानी को कैसे पिएं, ये सारी चीज़ें उनको समय देना है वहाँ, ना कि खाली गईं और स्टिकर लगाई और चली आई, बल्कि वहाँ समय दे के जनता को जागरूक करना है। इसमें हमारे कोऑर्डिनेटिंग विभाग करीब 12 विभाग हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और बहुत अच्छी जिम्मेदारी है कि अगर वो उसको करते हैं तो समाज में ये मैसेज जाएगी कि हम इस बड़ी बीमारी JEE से कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं और उससे किसी की मृत्यु ना हो या किसी को अपंगता ना आए। उसमें जो खास विभाग हैं वो हमारे शिक्षा विभाग हैं, पंचायती राज विभाग हैं, नगर निगम है, इन सब की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। शिक्षा विभाग इसमें रैलियां निकाल के उद्घाटन के दिन जो 10 तारीख को उद्घाटन होना है उसमें रैली वगैरह निकाल कर जन जागरूकता पैदा कर सकता है। अपने क्लास में रोज़ एक शपथ दिला के साफ़ सफाई के बारे में JEE इसके रोकथाम में मदद कर सकता है। बच्चों को स्वच्छता के बारे में प्रतिदिन जब उनकी प्रार्थना होती है उसमें 2 मिनट समय दे के कर सकते हैं। व्यक्तिगत सफाई, स्कूल की सफाई और समाज में जहां वो रहते हैं घर द्वार की सफाई के बारे में उनको प्रेरित कर सकते हैं, और उनको ये भी बताया जा सकता है कि हम मच्छरों से कैसे बचें, कैसे पूरी बाहें के कपड़े पहने, फुल शर्ट, फुल पैंट, जूता मोजा पहने, जैसे मच्छर नहीं काटे, मच्छर रोधक चीज़ें क्या हैं उसके बारे में बता सकते हैं, नाली और इनकी सबकी सफाई रखें जहां मच्छर पनपते हैं वो ना हो सकें, तो इस शिक्षा विभाग का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। इसी तरह हमारे नगर निगम में फॉगिंग वगैरह कराना, नालियों की सफाई कराना, हैंडपम्प्स के जो जहाँ पे हैंडपम्प बोर होता है उसके इर्द गिर्द लीकेज होता है उसको सीमेंटेड कराना, और जो उथले हैंडपम्प हैं उन्हें एक तरह से रेड से पेंट कर देना कि इसका पानी पीने लायक नहीं होता है, तो इस पे काफ़ी हमको इस अभियान में मदद मिलेगी। और हर एक की रिपोर्टिंग हमारी WHO मॉनिटरिंग करेगी, हर एक की रिपोर्टिंग हर विभाग की आएगी। हमारे विभाग का जिम्मा इसलिए बढ़ जाता है कि हम इसके नोडल ऑफिसर हैं, और हमारे इस अभियान की शुरुआत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी जनपद से गोरक्षनाथ मंदिर से कल 9:30 पर शुभारम्भ करेंगे।
जिसमें हमारी LED वैन आई हैं प्रचार प्रसार के लिए। गोरखपुर के लिए 6 आई हैं, लेकिन पूरे दोनों मंडल, बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल मिला के 33 वैन LED वैन हैं, जिनका सबका हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और उस मौके पर उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार भी उपस्थित रहेंगे, उनके द्वारा वो सारी वैन रवाना की जाएंगी। उसके बाद 6 हमारी अपनी वैन हमारे यहाँ रुक जाएंगी, बाकी अन्य जनपदों में चली जाएंगी। उस समय हमने स्कूल को इन्वॉल्व करने के लिए, आंगनवाड़ी को इन्वॉल्व करने के लिए और हमारी आशाओं को इन्वॉल्व करने के लिए एक रैली का भी आयोजन किया है। इन सब से मिली जुली एक रैली भी करेंगे। एक हमने और प्लान किया है इनोवेटिव टाइप का, कि एक बहुत बड़ा बैलून, एक मैरून कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक वाइट कलर का, 3 बैलून जो तिरंगे के रंग होते हैं, उसमें दस्तक 2019 लिखा हुआ माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से उसको छोड़ा जाएगा। तो इस तरह से इसका इनॉग्रेशन होगा। इस इनॉग्रेशन में हमारे प्रमुख सचिव महोदय भी उपस्थित होंगे, जो आज शाम ही आ जाएंगे। उसके बाद हमारा ये अभियान, साथ में एक चीज़ का हम इनॉग्रेशन और करा रहे हैं, जिसे MDA कहते हैं, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है हमारा, उसके तहत इसमें फाइलेरिया ना हो लोगों को, एक तो उससे बचाव के लिए पोस्टर, स्टिकर्स और ये पॉम्पलेट्स वगैरह बनाए गए हैं, वो चलेंगे ही, दिए जाएंगे, बांटे जाएंगे, वो कार्य भी साथ साथ होगा, क्योंकि फाइलेरिया को की रोकथाम के लिए ये अभियान पहले भी चल चुका है और रेगुलर चल रहा है, जिससे देखने में ये आया है कि फाइलेरिया के रोगी काफ़ी कम हो रहे हैं। इस अभियान में हमारी जो आशा है वो घर घर जब जाएगी दस्तक में, तो वो लोगों को गोलियां खिलानी हैं फाइलेरिया की, एडल्ट को 3 गोली और 1 एल्बेंडाजोल जो कृमि नाशक दवा है, वो एडल्ट को, अगर 2 साल से नीचे का कोई है तो उसे नहीं देना है, 2 साल से 5 साल तक को 1 गोली, 5 साल से 15 साल तक को 2 गोली और एडल्ट को 3 गोली, ये हर एक को देना है। और इस गोली के साथ एक कृमि की गोली, कृमि मुक्ति के लिए एक एल्बेंडाजोल कहलाती है, वो गोली हर एक को, चाहे वो कम उम्र का हो, बड़े उम्र का हो, पूरी एक गोली देनी है। वो गोली चबा चबा के खानी है और ये गोलियां, चाहे 1 खा रहा कोई, 2 खा रहा, 3 खा रहा, उसको पानी से निगलना है। तो ये पूरी पॉपुलेशन को, खाली वो 2 जो हमारे 2 साल से नीचे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बीमार हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, उनको छोड़कर बाकी सबको देना है। तो इसमें लगभग जो हमारी लाभार्थी होंगे वो 40,69,649 के करीब होंगे, और हमें 94,46,430 घरों को विज़िट करना होगा, जिसके लिए 3,786 टीमें लगाई गई हैं। ये टीमें घर घर जाकर ये खिलाएंगी। ये अभियान हमारा 10 तारीख से 14 तारीख तक घर घर जाके MDA का चलेगा, और 15 तारीख से 23 तारीख तक हमारा मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड का मतलब हो गया कि किसी भी घर में अगर कोई छूट गया है किसी वजह से, कोई बाज़ार गया है, कोई शादी ब्याह में कहीं गया है, तो उसे हमें पूरा करने के लिए फिर मॉपअप राउंड चलाना होगा। कैसे हम जानेंगे कि किस घर में कौन छूट गया है, इसके लिए हमें वहाँ मार्किंग करनी होगी, F लिख के, F माने फाइलेरिया, फाइलेरिया लिख के, अगर उस घर में 6 सदस्य हैं और 3 को खिलाए हैं तो हम लिखेंगे 3/6, यानी 3 सदस्य छूट गए हैं। अगले राउंड में जब हम जाएंगे देखेंगे कि अगर वो तीनों मिल जाते हैं तो हमारा 6/6 हो जाएगा, यानी इस घर में अब कोई गोली खाने से वंचित नहीं है। इसके साथ ही साथ इस गोली के लिए हम अपने PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फीमेल हॉस्पिटल, सभी जगह बूथ भी बनाएंगे कि जो भी आ रहे हैं वहाँ सबको ये गोली खिलाई जाए। तीसरा हमारा कार्यक्रम इस संचारी रोग अभियान के तहत होगा, वो 25 तारीख से, 25 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक चलेगा, जिसमें हम JEE का टीका लगाएंगे, टीकाकरण का कार्य करेंगे, जितने भी छूटे हुए लोग हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के ये टीकाकरण का अभियान चलेगा 8 तारीख तक, और इसी के बाद 10 तारीख से हमारा पोलियो अभियान चलेगा, यानी इस 10 तारीख से अगले 10 तारीख, इस एक महीने में हमारे 4 अभियान इस तरह से चलेंगे। आप सब प्रेस बंधुओं से उम्मीद है कि इसमें हमें फुल सपोर्ट आप करेंगे, जिसकी वजह से हमारे सारे अभियान अच्छे हो रहे हैं और इस अभियान में भी जनता को जागरूकता पहुंचेगी। आपका सशक्त माध्यम है, जिससे काफ़ी अच्छी सूचनाएं गांव तक अब पढ़ा जाता है, गांव तक पहुंच जाती हैं और उनको ये पता हो जाएगा कि इस गोली के खाने से कोई दिक्कत नहीं आती, अगर कोई दिक्कत हल्की
मिचली विचली आती भी है तो उसके लिए हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है, उसको खबर करने से वो जाके देख लेती है। परंतु ऐसी कोई गंभीर आज तक कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, न कोई गंभीर रूप से इसमें बीमार पड़ा है। तो ये हमारे अभियान हैं जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी 10 तारीख को करेंगे।